हेलो दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने देखा मेरी मौसी जी का गांव जिसका नाम है रोहाना खुर्द। अभी मैं इसी गांव में हूं और आज जा रहा हूं अपनी बुआ जी की लड़की के घर, यानी कि अपनी कजन सिस्टर के घर। देखिए कैसा है उनका घर और उनका रहन सहन। नहीं, आपने घर में बनाया? और ये देसी घी का लड्डू है, थोड़ा छोटा बना देते, इतना बड़ा क्यों बना दिया? अच्छा, इसमें क्या क्या डाला आपने? इतना बादाम, काजू, तिल, गोंद, मखाने। अच्छा, 1 किलो घी पड़ा है। 1 किलो घी। लो जी, दूध क्या करना? एक गिलास दूध की तो जरूरत नहीं है? नहीं हाँ। इतना बड़ा लड्डू कर लो। लड्डू लड्डू इतना बड़ा उसमें नहीं देखता क्या? फोन में दिखाते नहीं लड्डू। कहते दूध के साथ खा इसको। दूध नहीं आता ले आऊंगी मैं। दो फिर दूध दो मेरे को, दूध के साथ मजा आएगा। अजी पूरा बढ़िया लगेगा, दूध के साथ बहुत मजा आएगा। दूध ही दो आप। दूध के साथ ये लड्डू खाने वाला हूँ, वो भी इतना बड़ा, मजा आ जाएगा खा के। लो जी, इतना सारा दूध, इतना बड़ा मग भर के, और ये लड्डू बेसन का इतना बड़ा। ये तो बना रखे ना इन्होंने, इतना बढ़िया और स्वाद लड्डू दूध के साथ खाने के बाद। चलिए देखते हैं गाँव में लोग पशुओं के लिए चारा कैसे काटते हैं। अच्छा, घर दिखा रहे हैं? सही है सही है। और तो ऊपर की भी बना रहे हैं? जरूर, ठीक है। ये भी बना रहा है क्या? हाँ जी, ये भी बना रहा है। क्या जरूरत थी ये सब बनाने की? थोड़ी और देर में वहाँ रुका, उनका घर देखा, थोड़ी और बातें की, पुराने दिनों को याद किया, और उसके बाद मैं लौट आया अपनी मौसी जी के घर ताकि वहाँ से बाइक उठाकर वापस चल सकूँ। जाते हुए ये उनके लिए, इनके लिए अपने हिसाब से बांट देना प्लीज। दोनों के लिए भी पता नहीं, मुझे कम ज्यादा कुछ तो बता दिया करो, मेरे को अकल नहीं चीजों की। अकल नहीं है, शादी होती भाभी सिखाती, अकल तो इसलिए नहीं की, अकल सिखाती ले कम से कम कुछ अकल तो आती अगर भाभी सिखाती। ऐसी अकल नहीं है तो अच्छा है। जोनी को देखो कितनी अकल आ गई। कल आया घर पे कुछ दिन पहले, तो मम्मी आई हुई थी, तो मम्मी बोलती मतलब आया हाय हेलो की मिलके चला गया। पीछे से मम्मी बोलती कैसा हो गया लुंडा शादी के बाद, कितना स्मार्ट हुआ करता था पहले। अगले दिन वापस आया, मैंने बोला मैं कि मम्मी ऐसे बोल रही थी कि कैसा हो गया लुंडा शादी के बाद। कहता भाई जानबूझ के हुआ हूँ। कहता मैं अदरक की तरफ फैलता जा रहा हूँ, जानबूझ के फैलता जा रहा हूँ। कहता मेरा दोस्त है पंडित, तेजली वाला मेरा दोस्त है पंडित, वो बड़ा स्मार्ट है, 60 किलो वजन अभी भी कहीं से नहीं फैला, और उसकी बीवी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यमुनानगर वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। कहता आज भी वो 20-21 का लगता है, और उसकी बीवी उस पर शक करती है, फ़ोन भी चेक करती है उसके, फेसबुक पे किसी से दोस्ती भी नहीं करने देती, और मेरा बढ़िया भाई। हाँ जो भी है, वो कह तो रहा है कि मेरे को अदरक की तरफ फैलना है ताकि मेरी बीवी मुझ पे शक ना करे। बीवी के चक्कर में मरेगा वजन बढ़ा के। बढ़ा ही लिया और क्या होगा इससे ज्यादा।
मैं तो कहूंगा तो भाई कम कर, वजन इतना ठीक नहीं है। नहीं वो तो यही कहता है, कहता जी मैं तो इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि कोई लड़की मेरी लाइफ में ना आए और कम से कम मेरी बीवी को ऐसा लगे कि नहीं आएगी ना। अब ये लल्ला क्या मम्मी छोटा सा मम्मी को देती कहिए पैसे हां इतना कमा रहा है और मां को देगा या लेगा। हां उल्टे ये तो सोचना भी नहीं अब। हां ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कोई भी यही बात। इस बात में कोई मजेदारी नहीं है। मैया मां लो ये तो आपके लिए है, जेब में रखो ये। अरे तुम्हारी जेब कहां है? चलो बाय। वैसे ये पैसे लेने देने का मामला ना, मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ जी। आपकी वो कौन है? वो कौन है? वो भाभी है ना आपकी? बस 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 मम्मी ने खा के भेजा होगा। नहीं हाँ कहते जी वो बच्चे हैं वो उनके लिए दिया हो। हाँ तो बताया होगा ना मम्मी को, बताना है कि खुले पैसे में कहाँ ढूंढता फिरता, मैंने कटे पकड़ा दिया। बाय मेरे बेबी, गोली मेरी बेबी बाय। अच्छा जी इजाजत दो। अब भैया अब तो तू जाने वाली है। शादी तो सबकी होली है, शादी तो सबकी होली, शादी को तो तुम पसंद नहीं आना। वैसे याद आएगा जब हम छुट्टियों में आवे यार। तो छुट्टी में कब आते हैं यार? जी नहीं, जी नहीं कर रहा ताऊ को भेजने को, बाद के कहने तो ये रस्ते में आओ तो नहीं कभी नहीं फिर आओ कल ये। चलो चलो बाय कर दो सबको। बाय बाय कर दो। बाय बाय हो ना। चल बाय सोनिया बाय। बस यहाँ तक ठीक है, हमारा घर आ गया। मैं घर जा रही हूँ। आ जा आ करती आ। आगे से हट जाओ पीपी पीपी पीपी, आगे से हट जाओ। एक राउंड घुमा लाते हैं। चलो अच्छा जी बाय 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 बेबी पकड़ लो। बाय बेबी बाय मेरा बच्चा। बाय क्यूट बेबी। बाय बेबी बाय 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 बाय। ठीक है जी बाय। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वापसी की पूरी जर्नी वो भी गांव की सड़कों और खेतों के बीच से होते हुए देखेंगे अगले एपिसोड में।